हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ चुनिंदे मॉनिटर्स के बारे में। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मॉनिटर्स के बारे में बताइए, हमें कौन सा मॉनिटर्स लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी पीसीज वगैरह असेंबल्ड के बारे में बात किया था बट मॉनिटर्स के बारे में बात नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉनिटर्स के ही बारे में बात करेंगे, और वो भी जो है वीजीए मॉनिटर्स के बारे में नहीं, जो वीजीए कनेक्टिविटी आप लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली HDMI कनेक्टिविटी मॉनिटर्स के बारे में, और ऐसा क्यों, इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो इस सब कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, और कौन सा मॉनिटर परचेस करें और कौन से मॉनिटर का क्या प्राइसेस हो सकता है, इन सभी बातों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है वीजीए केबल, जो आप लोग अक्सर यूज़ किया करते हैं, जिससे आप लोग हमेशा से बिल्कुल परिचित हैं। उसके बाद है HDMI, जो काफ़ी लोग आप इससे भी जानते ही होंगे। उसके नीचे है डिस्प्ले पोर्ट, जो इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, एक्चुअली बिल्कुल लेटेस्ट है। बहुत ही कम ही मदरबोर्ड के अंदर, अगर बहुत आप हाई एंड मदरबोर्ड परचेस करते हैं तो उसके अंदर ये मिल सकता है, नहीं तो ये शायद अभी मदरबोर्ड्स में नहीं अवेलेबल है। और उसके बाद जो है DVI है, जो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो पहले आया करता था, कुछ मॉनिटर्स में आया भी है लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं आता। कुछ मदरबोर्ड में आज के डेट में भी ये आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे के दोनों है डिस्प्ले पोर्ट और DVI पोर्ट, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप VGA केबल यूज़ करते हैं और आपके कंप्यूटर में अगर VGA इंटरफेस है, या फिर अगर आपके मॉनिटर में VGA इंटरफेस ही है, यानी कि VGA स्लॉट ही VGA कनेक्टर ही है, तो आपकी मजबूरी है कि आप जो है VGA केबल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आज के डेट में अगर आप न्यू PC बिल्ड कराने जा रहे हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान दें कि आप जो भी मदरबोर्ड परचेस कर रहे हैं उसके अंदर HDMI कनेक्टिविटी ज़रूर हो, और जो भी आप मॉनिटर परचेस करने जा रहे हैं उसके अंदर भी जो है HDMI कनेक्टिविटी ज़रूर हो। क्योंकि VGA जो केबल होता है वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि VGA केबल जो है, जैसे इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, वीडियोग्राफिक एरे इसका फुल फॉर्म है, ये जो है एनालॉग सिग्नल पे चलता है। लेकिन आज के डेट में जो है, जैसे आप जानते भी होंगे कि कंप्यूटर हमारा डिजिटल होता है, और आज के डेट में जितने भी LED मॉनिटर्स जो बनते हैं वो सब कुछ डिजिटल पे ही चलते हैं। तो HDMI पोर्ट जो है, इसका फुल फॉर्म जो है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है ये, जो कि इसके अंदर, जैसे VGA के अंदर अगर आप साउंड लेना चाहते हैं तो आपको साउंड अलग से लगाना होता है, लेकिन जितने भी HDMI इंटरफेस के मॉनिटर होते हैं उसके अंदर स्पीकर्स लगे होते हैं बिल्कुल टेलीविजन की तरह। यानी कि जब आप HDMI पोर्ट वाला जब आप यूज़ करेंगे इंटरफेस, तो उसके अंदर जो है साउंड आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है मॉनिटर से भी साउंड ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही इसके अंदर जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आज के डेट में एक बेहतर क्वालिटी के लिए, एनालॉग होने की वजह से, एनालॉग में एक्चुअली क्या होता है कि ये दूरी बाई दूरी, जैसे PC से आपका डिजिटल सिग्नल आउटपुट होता है, उसके बाद जो है VGA कनेक्टर पर ले जाने के लिए, यानी कि VGA आउटपुट करने के लिए उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एनालॉग से जो है उस केबल के माध्यम से भेजा जाता है मॉनिटर के लिए। तो जैसे एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि जैसे ही आपका केबल थोड़ा सा लंबा होगा तो जो है एनालॉग सिग्नल लॉस होता चला जाता है, उसकी क्वालिटी जो होती है डाउन होती चली जाती है, उसके बाद मॉनिटर पर पहुंचते पहुंचते कुछ क्वालिटी जो है इसका डाउन हो जाती है, उसके बाद मॉनिटर पर जाने के बाद उस एनालॉग सिग्नल को फिर दोबारा से डिजिटलाइज किया जाता है, डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद जो है आपको इमेज मिल पाती है, वीडियो मिल पाती है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी हद तक क्वालिटी जो है डाउन हो जाती है। तो ये उस वाले मॉनिटर में चलता था जो काफ़ी टेलीविज़न की तरह बड़े बड़े मॉनिटर जो आया करते थे, CRT मॉनिटर जिसको हम लोग बोलते थे। लेकिन आज के डेट में भी LED मॉनिटर में, काफ़ी सारे मॉनिटर्स में ये मिलता है। तो आज के डेट में अगर आप मॉनिटर परचेस कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके मदरबोर्ड के अंदर HDMI पोर्ट हो, यानी HDMI कनेक्टिविटी हो, वही मदरबोर्ड आप परचेस करें। और जो भी मॉनिटर आप परचेस करने जा रहे हैं तो बेहतर क्वालिटी के लिए, अगर मिक्सिंग वगैरह करते हैं, फोटो वगैरह का काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि VGA से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल वीडियो आपको मिल सकती है HDMI में। इसके डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा हम लोग समय को वेस्ट नहीं करेंगे, अगर इसके डिफरेंसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि HDMI में कौन कौन से मॉनिटर हैं बेहतर, जो हम परचेस कर सकते हैं मार्केट में आज के डेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे Acer की, जो 19.5 इंच है। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बेहतर ब्रांड है वो
छोटे मॉनिटर्स यानी कि 14 इंच या फिर 15.6 इंच में HDMI इंटरफेस वाले मॉनिटर्स को उन लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। जितने भी HDMI इंटरफेस के जो मॉनिटर मिलेंगे ये थोड़े से बड़े साइज में मिलेंगे, यानी कि 18 इंच से स्टार्टिंग इसकी है जो बेहतर ब्रांड है उनके अंदर। तो यहां पर जो एसर का जो मॉनिटर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 19.5 इंच का है, जिसका रेजोल्यूशन जो है 1366x768 है और इसका प्राइस 5900 है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, इसके अंदर आपको जो है फुल HD क्वालिटी मिलेगी, VGA और HDMI दोनों ही इंटरफेस मिल जाता है। तो अगर आपके PC में जो है सिर्फ VGA है और हो सकता है कि फ्यूचर में आप उसको अपग्रेड करें, तो इसीलिए आप इस मॉनिटर को ले सकते हैं जिसके अंदर दोनों ही कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद Acer में ही हम बात करते हैं 22 इंच, जिसका रेजुलेशन आपको मिल जाएगा 1920x1080। तो ये बहुत ही बेहतर मॉनिटर है और इसके अंदर सबसे खास बात है कि ये लगभग लगभग बॉर्डरलेस मॉनिटर होता है। आपको जो है इसके ऊपर और साइडों में जो बॉर्डर्स होते हैं सारे मॉनिटर्स के अंदर, ये बहुत ही माइनर है, ये बिल्कुल इंड टू इंड तक जो है ये मॉनिटर जो है डिस्प्ले करता है। तो ये बहुत ही बेहतर लुक आता है इसका, और चूंकि 22 इंच है साइज में भी बड़ा है, और जो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ भी है जीरो फ्रेम डिजाइन है ये, बिल्कुल भी फ्रेम जो है बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल लास्ट तक आपको इमेज मिलती है। और 22 इंच में भी है जिसकी वजह से इसका प्राइस भी कोई खास नहीं है, 8780 रुपये है। बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाती है और काफी बेहतर लुक में इसकी जो है स्क्रीन आपको मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं LG में आ जाते हैं। तो LG में 18.5 इंच में, जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 है, 18.5 इंच में ब्लैक है ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। इसके साथ पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे सेंटर में ये लगा हुआ है, हम लोग इस पर वर्क करते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग यूज़ कर पाते हैं बिल्कुल फुल HD के अंदर। इसका प्राइस है 5230 रुपये। तो मात्र बहुत ही कम प्राइस में एक बेहतर मॉनिटर आपको मिल सकता है। अगर आप सिंपल VGA मॉनिटर भी अगर ब्रांड का लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए 15 इंच, 15.5 इंच या फिर 14 इंच, तो वो भी आपको पड़ेगा 4.5 इंच, 4500 का पड़ जाता है। तो अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो उससे बेटर है कि 18.5 इंच का आप LG का ये मॉनिटर परचेस करें मात्र 5230 रुपये में, जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसके अंदर HDMI केबल भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं LG का ही अगला मॉडल 22 इंच के अंदर, जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080 और इसका प्राइस है 9990 रुपये। तो ये भी बिल्कुल जो है जीरो फ्रेम डिजाइन में है, बिल्कुल आपको एंड टू एंड तक जो है आपको वीडियो मिलेगी, कोई फ्रेमिंग नहीं है, कोई बॉर्डर आपको नहीं मिलेगा, और बहुत ही बेहतर लुक में ये जो है आता है, और साइज भी बहुत ही बेहतर है, और साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए बेहतर प्राइस में ये उपलब्ध है। और इसके बाद हम बात करते हैं LG का ही 22 इंच में सस्ता मॉनिटर है, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर आपको मिलेगा और इसका प्राइस जो है 7913 रुपये, यानी कि 8000 रुपये है। और इसका रेजोल्यूशन भी बिल्कुल वही मिलेगा जो बैक साइड में ये फुल HD का मिल रहा है। तो अगर 8000 तक पहुंच रहे हैं और 2000 और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे बेटर जो है आपका ये मॉनिटर LG का हो सकता है, क्योंकि इसका लुक जो है काफ़ी बेहतर होता है बाकी सब मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। उसके बाद हम बात करते हैं डेल की, जो काफ़ी लोग डेल में विश्वास रखते हैं, डेल काफ़ी लोगों का फेवरेट ब्रांड है। तो अगर डेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेल के अंदर 23.8 इंच में, यानी कि इसको अराउंड हम लोग 24 इंच बोलते हैं, जिसका रेजुलेशन आपको मिल जाएगा 1920x1080। ये फुल HD है, इसके अंदर भी दोनों ही पोर्ट आपको मिल जाएंगे और इसका प्राइस 10900 रुपये है। तो 24 इंच मॉनिटर के अंदर 10900 रुपये अगर देखा जाए तो काफ़ी जेन्युइन प्राइस है इसका, आप इसको ले सकते हैं। इसका भी बॉर्डर कोई बहुत खास नहीं होता है, हल्का ही होता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप ये मॉनिटर भी बाय कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है डेल का ही 23.8 इंच, यानी कि ये भी 24 इंच का ही मॉनिटर है, और इसके बेस के अंदर एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, 12 वाट का साउंड है इसके अंदर, बहुत ही बेहतर साउंड है अगर पर्सनली आप यूज कर रहे हैं, और बहुत हैवी साउंड आपको नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा लाउडनेस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये मॉनिटर यूज कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्टल आवाज के साथ ये आता है और बहुत ही बेहतर लुक भी है इसका, बहुत ही न्यू मॉडल लुक में आता है ये, बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसका प्राइस है 17790 रुपये। तो अगर आप ये चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम आसूस में चलते हैं, आसूस में जो है 21.5 इंच का मॉनिटर, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत मॉनिटर होता है। आप इसका प्राइस जो है 9040, मात्र 9000 में आपको मिलता है,
और इसके अंदर आपको दोनों कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इसके अंदर वीजीए नहीं मिलेगा, एचडीएमआई एंड डीवीआई कनेक्टिविटी इसके अंदर मिलेगी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर डीवीआई या फिर एचडीएमआई है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसी का मॉडल 24 इंच के अंदर 1920x1080 में है, जिसका प्राइस 12,980 रुपये है। इसके अंदर आपको एचडीएमआई और डीवीआई दोनों ही आपको पोर्ट मिल जाते हैं और ये बहुत ही बेहतर मॉनिटर है, बहुत ही बिल्कुल एचडी फुल एचडी में आपको दिखाई देगा और बहुत ही बेहतर मॉडल में भी ये आपको नजर आएगा, बहुत ही बेहतर लुक में ये नजर आता है। इसका प्राइस है 12,980 रुपये। तो ये सारे ब्रांड के मॉनिटर्स से अगर आज की डेट में अगर आप पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो मदरबोर्ड परचेस कर रहे हैं उसके अंदर भी एचडीएमआई हो और जो मॉनिटर परचेस कर रहे हैं उसके अंदर भी जो है एचडीएमआई कनेक्टिविटी हो। और उसके बाद है अगर आप सैमसंग में जाना चाहते हैं तो सैमसंग के लिए 23.6 इंच यानी जिसको अराउंड 24 इंच ही आप बोल सकते हैं और 1920x1080 रिजोल्यूशन में ही है ये भी, इसका प्राइस जो है 11,040 यानी कि समथिंग 11,000 में मिलेगा और ये ग्लोसी व्हाइट में मिलता है, काफ़ी खूबसूरत मॉनिटर ये भी है। तो अगर आप सैमसंग के साथ जाना चाहते हो तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं छोटे साइज के अंदर, बजट आपका ज़्यादा नहीं है और चाहते हैं कि 14 इंच या 15 16 इंच के ही अंदर आपको मॉनिटर मिले, तो आपको कोई ब्रांड का नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी ऑप्शन मैं लेकर के आया हुआ हूँ। वो मिलेगा आपको फॉक्सिन का, जो मैं चेक करने के लिए मंगाया था, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने हो गया और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इसके अंदर जो सबसे कम रेंज का जो मॉनिटर है वो है 3,099 यानी मात्र 3,100 रुपये का ये मॉनिटर मिल जाएगा 15.4 इंच में, जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1200। तो 1200 पिक्सल इसका हाइट होने के वजह से क्या है, ये थोड़ा सा आपको स्क्वायरी टाइप का दिखेगा, यानी कि विड्थ एंड हाइट लगभग लगभग बराबर दिखता है, बराबर नहीं है लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, यानी स्क्वायर टाइप का है। तो अगर आप ये पीसी पर यूज करना चाहते हैं तो पीसी के लिए उतना बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर फोटोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी के लिए जैसे कि स्क्वायर मॉनिटर काफी बेहतर माना जाता है, तो फोटोग्राफी के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी वीडियोज वगैरह के लिए, बाकी सब काम के लिए ये बेहतर साबित नहीं हो सकता। और जनरली अगर आप सीसीटीवी कैमरे में यूज करना चाहते हैं तो ये मॉनिटर काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर ज्यादा बेहतर नजर आता है। उसके बाद अगर मॉनिटर में ही आप इसको यूज करना चाहते हैं तो उससे अगला वर्जन है इसका, जो आपको ये मिलेगा 16 इंच के अंदर, जिसका रेजोल्यूशन बिल्कुल नॉर्मल है, जो नॉर्मल लैपटॉप या मॉनिटर्स का होता है, यानी 1366x768। तो आप इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मल वर्क के लिए, जिसका प्राइस है 3670 यानी 3,670 रुपये। तो अगर आप जो है कंप्यूटर पर नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे यूज करें, और अगर आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सस्ते में और छोटे में, कम बजट में काफी बेहतर मॉनिटर आपको मिल सकता है, और पिछले 5-6 महीने से मैं यूज कर रहा हूं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉनिटर्स आपको पसंद आए होंगे और आपको कौन सा मॉनिटर बाय करना चाहिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और मैं हमेशा सजेस्ट करने की एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप आज की डेट में न्यू पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टिविटी का ध्यान रखें, यानी मदरबोर्ड के अंदर भी एचडीएमआई कनेक्टिविटी होना चाहिए और मॉनिटर के अंदर भी एचडीएमआई कनेक्टिविटी होना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर रिजल्ट उससे ले सकें, फुल एचडी आप जो है वीडियो को देख सकें, या फिर कोई भी वर्क जो है, फोटोग्राफी हो या फिर एडिटिंग्स वगैरह हो, आप बिल्कुल फुल एचडी में जो है वर्क कर सकें। और वीजीए केबल को आप बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मजबूरी था आज तक चलाना, ये उस वक्त से है, पुराने समय से है, जब बड़े बड़े मॉनिटर्स, भारी भारी मॉनिटर चला करते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपका किसी ना किसी फ्रेंड्स या किसी ना किसी का कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो इस टाइप के कंफ्यूजन से गुजर रहा हो, कौन सा मॉनिटर ले, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना चाहता है। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो उम्मीद है कि हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि यंग जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी के बिना और कंप्यूटर के बिना वो बिल्कुल अधूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।